यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है, जब हम किसी सर्किट में, ठीक है, हमें मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड करना होता है, तो सिंपली मैक्सिमम पावर कब डिलीवर्ड होगा, जब लोड रेजिस्टेंस टोटल सर्किट के रेजिस्टेंसेस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब इक्विवेलेंट हम जब निकालते हैं किसी भी सर्किट के लिए, तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पावर डिलीवर मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है, जैसा हमने बताया कि मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर होगा सिस्टम किसी भी सर्किट से लोड पर, जब लोड रेजिस्टेंस टोटल सर्किट इम्पीडेंस के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज मैक्सिमम व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द सोर्स, इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर थ्योरम, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो आर नॉट है ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट है, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारी सर्किट रही होंगी, हमने पूरी सर्किट इसमें नहीं बनाया है, ये आर इक्विवेलेंट आर टी एच जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसको आर टी एच लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वी ओ सी ओपन सर्किट वोल्टेज यानी वी टी एच है, तो आर टी एच और वी टी एच, ठीक है। तो आर टी एच किसके बराबर होगा, आर एल के जब बराबर हो जाएगा तब मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा, और उस केस में जो लोड पावर जो लोड पे यानी आउटपुट पावर जो है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, आर एल जो है आर नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इस पूरे सर्किट में अगर हम करंट निकालें, ठीक है ना, तो करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वी टी एच ओवर आर नॉट इंटू प्लस आर एल, ठीक है। अब अगर आर एल और आर नॉट जीरो मतलब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी आर एल और ये भी आर एल, तो कितना हो जाएगा, टू आर एल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर वी ओ सी ओवर टू आर एल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगर ये दोनों बराबर है तो ये टू आर एल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ सोर्स पावर की, तो पावर क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। पावर यहाँ पर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, तो हमने यही यहाँ पर लिखा हुआ है वी स्क्वायर ओवर आर, तो आर यहाँ पर क्या है, टू आर एल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, वी स्क्वायर ओवर टू आर एल, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ पावर डिलीवर टू द लोड, पावर डिलीवर टू द लोड, तो वो क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। वो कितना होता है, P स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो जो वो P स्क्वायर आई स्क्वायर आर है, तो यहाँ पर R क्या है, RL है, लोड पे रेजिस्टेंस पे, तो लोड रेजिस्टेंस पे ही तो जा रहा है, वो लोड रेजिस्टेंस पे जा रहा है ना, तो जो लोड रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो PL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ओ सी होल स्क्वायर यानी यहाँ पर वी टी एच आई स्क्वायर को लिख रहे हैं, और आई यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वी ओ सी ओवर टू आर एल इन द केस ऑफ मैक्सिमम पावर। और अगर मैक्सिमम पावर नहीं है तब तो आई यही होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम पावर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू आर एल हो जाएगा। तो इस टू आर एल को हमने यहाँ पर पुट किया, तो वी स्क्वायर ओवर फोर आर एल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू आर एल, तो आर एल और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर ओवर फोर आर एल, यानी मैक्सिमम पावर तभी लोड को डिलीवर्ड होगा जब वी स्क्वायर ओवर फोर आर एल होगा, ठीक है। और नॉर्मल अगर पावर की, सोर्स पावर कितना होगा उस केस में, वी स्क्वायर ओवर टू आर एल, सोर्स पावर कितना होगा, वी स्क्वायर ओवर टू आर एल। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ कि एफिशियंसी कितनी हो जाएगी फिर, तो यहाँ पर 2RL और यहाँ पर 4RL, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 50%। एफिशिएंसी किसी भी सर्किट के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट, कितना हमने आउटपुट दिया और कितना हमने इनपुट दिया और उसका हमको कितना आउटपुट मिला, उसी को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 50%, यानी किसी भी सर्किट में जो मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रहा है उस सर्किट में, जो उस सर्किट की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 50%।
50% से ज्यादा एफिशिएंसी उसकी नहीं होगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है ना। तो मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर